आज तीसरा दिन है। अब तक आते आते या तो हिमाचल से अब बहुत प्यार करने लगेंगे या पहाड़ों के माइग्रेशन को बढ़ाएंगे। पर निश्चित रूप से जो तीन दिन से हमारी चर्चा चल रही है, हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स डिफरेंट हिमालयन कंट्रीज से स्टेट से यहाँ आए हैं और ये चर्चा सामयिक तो है ही, परंतु इस जब चर्चा के बीच में हमारे समन्वय डॉक्टर क्षमा मैत्री जैसी एक्सपर्ट जो हिमालयन क्षेत्र में पिछले लगभग 30-40 वर्षों से लगातार संघर्ष करके छोटे छोटे पायलट खड़े कर रही हैं, उनके बीच में होती है। जब हमारे बीच पद्मश्री जाधव पायंग जी हिमालय पे काम करते करते देश की सत्ता को अपने काम के लिए आकर्षित करते हैं और वो हमारे बीच में बैठते हैं, तो लगता है हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और एक और विशेष बात मैं यहाँ रखना चाहूँगा कि कई बार हम छोटे छोटे काम अपने अपने स्थान पर अपने अपने प्रांत में करते हैं परंतु तो उसका आभास नहीं होता कि इसका स्केल क्या है। और जब ऐसे कार्यक्रमों में एकत्र आते हैं तो लगता है मैं अकेला नहीं, ये पूरा हिमालयन समाज इस हिमालय क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। हमारा जो हेतु है वो सामूहिक है। आई एम नॉट अलोन वर्किंग ऑन दिस स्पेसिफिक इशू। देर इज अ कम्युनिटी एंड दिस इज अक्रॉस बॉर्डर्स। ये मेरा प्रांत मेरा देश ही नहीं, ये पूरा हिंदू कुश हिमालय है। और जब हम एकत्र आते हैं और ये आभास होता है तो प्रश्नों का उत्तर मिलना लगता है अवश्य मिलने वाला है। इस सेशन में प्राकृतिक खेती पे चर्चा हुई, शायद उस संदर्भ को हम सॉल्यूशन से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं। हमारे सामने जो तीनों विषय प्रस्तुत हुए वो ऐसे हुए जैसे एक एक अलग अलग किस्म के एक अपना अपना जो एक्सपर्टाइज थी उसको आपके सामने रखा। पहले सेशन में डॉक्टर विनीत जिस्टू टुक अस टू द लेह लद्दाख रीजन। इसमें एक मेरी पीड़ा भी है और जो मेरी पीड़ा है शायद सरकार की भी आज पीड़ा है। और सरकार की पीड़ा क्यों है कि जिन इंस्टीट्यूशन से सरकार को उत्तर चाहिए हम कॉज देते हैं। लेह लद्दाख को स्टडी करना है तो मुझे लगता है हमें शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए, हमें आठवीं और नौवीं शताब्दी को भी याद करना चाहिए जब 102 लामा जी ताबो से कश्मीर के लिए चले थे और 4 वर्ष के बाद 102 में से 4 वापिस आ पाए थे, परंतु इसका मतलब था नौवीं शताब्दी में भी वहाँ जनजीवन था, आबादी थी, सस्टेनेबिलिटी थी और रोजगार के साधन थे। सत्रह सौ अस्सी के आसपास जिस जिला का मैं हूं उस जिला के एक शेरशाह नाम से जिनको कहते थे, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे, जनरल जोरावर सिंह। स्थानीय स्तर पे उनसे उनसे कोई गलत काम हुआ था, कोई हत्या हो गई थी, वहां से भाग के गए थे और महाराजा गुलाब सिंह के वो सेनापति बने थे और बालिस्तान से लेकर
लद्दाख तक और उसके बाद तिब्बत तक उन्होंने जो क्षेत्र जीते थे कई वर्षों के संघर्ष के बाद, इसका मतलब वहाँ सस्टेनेबिलिटी थी, वहाँ जीवन था, वहाँ भोजन के सोर्सेज थे, वहाँ पानी के सोर्सेज थे। तो यदि हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की भूमिका को हमें एक बार रीलुक करना पड़ेगा। माइग्रेशन का कारण अनसस्टेनेबिलिटी है या माइग्रेशन का कारण हम इंस्टीट्यूशन द्वारा जो आज की एस्पिरेशन उस युवा की है, उसको आज की रोटी में जौ नहीं चाहिए, उसको वैल्यू एडेड जौ चाहिए। अगर उसको सूप चाहिए तो आज के उसके सूप के लिए कौन कौन सी वेजिटेबल उसके लोकल हो सकती है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। पर कारण को हमें छोटा नहीं देना चाहिए, हमें मान के चलना चाहिए सस्टेनेबल रीजन था ये। और दूसरा एक और प्रश्न, ये ठीक है कि COP 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक कमिटमेंट की है कि भारतवर्ष की 20% भूमि को हम वापस अगले 2030 तक करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की COP 14 में कमिटमेंट थी एज ए चीफ गेस्ट ऑफ दैट सेशन। बट कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन इन डिजर्ट कोल्ड, क्या इस पे ये हमें बात करनी चाहिए? ये ईश्वर की बनाई हुई एक अलग अलग हिमालयन जोन है, ये डिजर्ट है, हमें क्या इसको कम्बैट करना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए कि इसकी डेजर्टिफिकेशन को हटाना है? ये प्रश्न हम सबके सामने है, मेरे मन में आ रहा है, हो सकता है आपका क्या होगा। इसे जब हम पहाड़ की, जब हम हिमालय की सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो जब किसी चीज को ऑक्शन करते हैं ना, तो लिखते हैं जैसा है जहां है। पुरानी गाड़ी है, पुराना सामान है, पुराना कुर्सी है, हम लिखते हैं उसमें, जब उसको ऑक्शन करना है, जहां है जैसा है वैसा उसको ऑक्शन करेंगे। मैं उसको हिमालय रीजन और हमारी जो सॉल्यूशन लोकलाइज सॉल्यूशन है, मैं उस पर जोड़ रहा हूं। हमारी जो परिस्थिति जहां की और वहां हजारों सालों की जीवन है, जिंदगी है, और जब जिंदगी है तो वहां सब कुछ है, उस पे काम करने की आवश्यकता है। इसे लोकलाइज सॉल्यूशन और उसकी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पर हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शायद हम इंट्रोडक्शन पे कम जाएं, लंबा समय लगेगा, शायद ये मेरे जीवन में नहीं होगा, 2 जीवन लगेंगे, 3 जीवन लगेंगे, परंतु फिर भी HFRI ने एक ले लद्दाख तक अपनी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया है, उस कम्युनिटी को आपने कनेक्ट करने का कोशिश किया है। एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन जहाँ लगभग 15 साइंटिस्ट 18 साइंटिस्ट होंगे, तो एक लंबी दौड़ लगी है और हिमालय आपकी प्रायोरिटी बनी है। मैं आपके यहाँ के सम्माननीय डायरेक्टर डॉक्टर संदीप, आप भी यहाँ आए हैं और आपकी प्रेजेंस में डॉक्टर जिष्टु ने एक पूरा ओवरव्यू वहाँ का रखा, और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए ये हमारे लिए कुछ पॉइंटर्स इनकी तरफ से आए हैं, इस कम्युनिटी पे, इस पे काम करने की आवश्यकता है। कृषि की बात भी आपने रखी, सामयिक क्या हो सकता है, कंकरंट। अगर 0.3% लैंड हमारी अवेलेबल है तो हम लैंड के अल्टरनेट और सोर्सी लाइवलीहुड पे काम कर सकते हैं। आज टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहां की बनने वाली है। 2 विषय कन्फ्रंट होंगे, ऑर्गेनिक शब्द और नेचुरल शब्द। जब ऑर्गेनिक शब्द आएगा तो मार्केट, जो हिमालय के बाहर की मार्केट सारी घुस जाएगी वहाँ बेचने के लिए। और अभी भी जो लेह लद्दाख की जो सारा अगर डाटा आप देखेंगे तो अक्रॉस रोड्स जितना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज़ है बाकी लेह में नहीं है, क्योंकि मार्केट की एक्सेसिबिलिटी सड़क के किनारे है। इसे लोकल रिसोर्सेज से, डबल हम्प्ड कैमल हमारे पास वहाँ पर है, दूसरे जो लोकल एनिमल्स हैं उनके रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम उसको सस्टेन कैसे वहाँ के लोकल फ्लोरा को कर सकते हैं, इस पे काम करने की आवश्यकता है। ये आपने कुछ इश्यूज पॉइंटर्स दिए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुभाष वर्मा ने एक इतिहास से जोड़ने का प्रयत्न किया। हमें तो इतना पता है कि भारतवर्ष बहुत गरीब है, भूख से मर रहे थे,
गेहूं अमेरिका से आई, उसने बचाया, नहीं तो भारतवर्ष खत्म हो जाता। तो इतिहास के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद करूंगा आपका भी। जमींदारी प्रथा कब शुरू हुई, खेती पे टैक्स कब लगा, बिना पैसे से लेबर काम करेगी, ये कब शुरू हुआ, 170 से 200 साल पहले। और जब ऋषि पराशर से लेकर ऋषि कौटिल्य, कश्यप, कृषि सूत्रा, वैद्य सुरापन, सबकी बात हम सबके सामने हो रही है, तो सिर्फ मौसम की नहीं, ये ज्ञान हम सबके पास था और आज भी किताबों में है। और मुझे याद है जब मैंने मेरी नई नई यहां पे मैंने ज्वाइन किया था, यहां जो खड का किनारा था वहां एक फार्म है, उस फार्म का मुझे काम दिया। हम सोइंग कर रहे थे तो मैंने कहा हट जाओ, एकदम वर्षा आ गई, तो काम करने वालों का नहीं सर चिंता नहीं करें, वर्षा नहीं आती। क्यों नहीं आती, नहीं सर इस खड तक आती है, इस दिशा वाली वर्षा इस खड तक ही आती है, यहां वर्षा होगी तो उस दिशा से आएगी। परंतु उस ज्ञान को टाई वाले ने नहीं बताया, उस ज्ञान को भारतीय कुर्ता पजामा पहाड़ में रहने वाले ने बताया, इसलिए हमारे टेक्स्ट का हिस्सा नहीं बन पाया। इस पे काम करने की आवश्यकता है। और भारतीय कृषि पे अगर बात करनी है तो इतिहास के इन पन्नों पे जाना ही पड़ेगा। और मैं धन्यवाद करूंगा भारत सरकार का और उससे पहले भी गुजरात सरकार का और अब एनसीईआरटी का भी, क्या प्राकृतिक खेती कोर्स करिकुलम का भाग बनने वाला है, इस पे कोर्स तैयार हो चुके हैं। इसे जब हम अपने इतिहास को बताएंगे, इन ऋषियों की बात रखेंगे और सिर्फ जमीन से लेकर उर्वरक तक से लेकर पशु तक बीज तक कैसे उसका संवर्धन करना है, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, कौन सी दिशा में लगाना है, कौन सी दिशा में बादल आने वाले हैं, कितना वर्षा करेंगे, तो हमें गर्व की अनुभूति होगी कि नहीं जो हमारा ज्ञान है वो हमारे पास है और हम उसको करेंगे। और तीसरा सर्टिफिकेशन पे आए। मैं हम पहाड़ों को देखते थे, क्योंकि मुझे भी प्राकृतिक खेती में काम करने का अवसर मिला, हम पहाड़ों को देखते थे। यूरोप ने 70 में एक स्ट्रेटजी बनाई कि दो कम्युनिटी है, कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है या ट्रेडर है। एक बीज की कम्युनिटी आई, उसको लगा मेरा बिजनेस कहां से क्रिएट होगा, उसने कहा तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, तुम खरीदोगे, मैं सर्टिफाई करूंगा कि तुमने ठीक उगाया। और उसकी कंडीशन थी पहाड़ में, ऊपर अगर कोई केमिकल खेती करता है, नीचे ऑर्गेनिक करता है, तो उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी। तो हमने प्रश्न ये 4 साल पहले उठाया, पहले भारत सरकार से किया, मंत्रालय से किया, उसके बाद हमने आईफोम जर्मनी से भी ये प्रश्न उठाया। हमने कहा ये कहां संभव है, या आप झूठ बोलते हैं या हम झूठ कर रहे हैं, ये जो जमीन पे है वो झूठ है। पहाड़ों में हजारों हेक्टेयर भूमि को ऑर्गेनिक भूमि घोषित हो चुका है, भूटान में भी होगा, नेपाल में भी होगा, हमारे पहाड़ में भी है, तो संभव ही नहीं है। फिर कहा कंटिगुअस एरिया होना चाहिए, इकट्ठे एक सोच नहीं बनती। हम सब बैठे हैं यहां पे, जितने भी विचार आ रहे हैं हम सब इसमें कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, कंटिगुअस एरिया कहां होगा। परंतु पेमेंट जो कंपनी को मिलती थी सर्टिफिकेशन की, वो तो उस पर मिलती थी, तो वो साइन करता जाता, टिक 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 लग गया, खाने वाले को पता ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आ गया। हमने कहा इस पे काम करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश ने पहला प्रयास किया कि दुनिया के दिए हुए सर्टिफिकेशन सिस्टम को नकार के हमने हिमाचल प्रदेश से शुरुआत की, और अभी उसको पायलट पे रन करना शुरू कर दिया है। किसान अपने आप अपना डाटा बढ़ेगा, उसको किसी की परवाह नहीं है। और एक काम और होता था, 3 साल उसकी सर्टिफिकेशन होती थी क्योंकि पेमेंट 3 वर्ष की थी, 4th साल वो ढूंढता था भैया मेरा कोई टिक लगाए, मेरे से पैसा ले, मुझे करे, मैंने बेचना है, तो उसको नहीं मिलता था, उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होती थी। अब किसान खुद अपना डेटा भरेगा, हर सीजन का भरेगा,
उसके पीयर उसका सराउंडिंग दे विल सर्टिफाई हिम एज ही इज डूइंग एंड दिस इज नॉट ए सर्टिफिकेशन, दिस इज द गारंटी दैट ही इज डूइंग नेचुरल फार्मिंग, ही इज नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ द एक्स्ट्रा केमिकल इनपुट. ये सर्टिफिकेट किसने किसने कह दिया कि जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सर्टिफिकेशन होगी और जो दुनिया भर में अनऑथराइज्ड अनअप्रूव्ड अनलेवल्ड पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं वो फ्री करेगा. ये सब विषय जो सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. नेचुरल फार्मिंग एक सिस्टम रीडिजाइन है, दिस इज नॉट द मॉडिफिकेशन ऑफ द सिस्टम. ये पूरा सिस्टम रीडिजाइन है एंड हिमाचल प्रदेश इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, देन आंध्र प्रदेश दैट यस विद द पॉलिसी लेड इनिशिएटिव्स एंड थ्रू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन यू कैन अप्लाई द आउटस्केल द लोकल सॉल्यूशंस. जो हमारा टाइटल है लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस एंड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी, सरकार आधारित पॉलिसी. ऑल्दो दिस इज नॉट ए वेरी वेरी कॉमन एल्सवेयर, दिस इज वेरी इनफ्रीक्वेंट कंटेम्प्रेरी इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू पॉलिसी लेड इनिशिएटिव्स. ये हो सकता है बट जो लोकल सॉल्यूशन उसको वैलिडेट करना, उसको रेप्लिकेट करना, उसको आउटस्केल करना, देन उसको अपस्केल करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. ओनली देन वी कैन मेक द गवर्नमेंट टू ब्रिंग इट टू इंटेग्रेट इट विद द पॉलिसी. ये हम इंस्टीट्यूशन को करना पड़ेगा क्योंकि अब समय वो आया हम प्रश्न लेके ना जाएं. अगर कोविड 19 आया है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकती है, ठीक है, लेबोरेटरीज काम कर रही हैं, उसके आप अलग अलग जीनोमिक नाम दे सकते हैं बट सरकार को चाहिए सॉल्यूशन एंड इट्स द बी द इंस्टीट्यूशन एंड यू द सोशल सोसाइटी वी कैन ज्वाइन हैंड, वी हैव टू ज्वाइन हैंड्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन टू मेक दिस कंट्री ए डेवलप कंट्री टू 2047. एंड दिस इज ए काइंड ऑफ द एग्जाम्पल टू अदर स्टेट्स ऑल्सो कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव और सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लोकल सॉल्यूशंस. मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मुझे लगता है आप थक भी गए होंगे, अब चार भाषण एक एक कंटिन्यूसली सुने नहीं जाते. मैं भाषण इसलिए इसको भाषण में कन्वर्ट इसलिए कर रहा हूं कि मेरा भी कोर एरिया है. आपके घर की गाय, उसका गोमूत्र, उसका गोबर, आपके घर के आसपास के पौधे, उसमें जरूरी नहीं नीम हो, उसमें जरूरी नहीं दरेक हो, उसमें जरूरी नहीं करंज हो, उसमें जरूरी नहीं एकलोप्टस हो, अगर 4200 मीटर्स का फार्मर है तो उसके घर के आसपास क्या है और 300 मीटर का फार्मर है तो उसके घर के आसपास क्या है. और छोटी छोटी चीजें, किसी भी फल का रस, सड़े हुए फल का रस, तंबाकू थोड़ा सा, तंबाकू पहले उगाते थे परंतु अब वाइल्ड होता है, हल्का सा हींग 2 ग्राम. आपने जंगल की मिट्टी कही, मैं तो कहता हूं खेत के बाहर जो बंड है उसकी मिट्टी चुटकी 3 उंगलियों में आती है, 3 उंगलियों में मुट्ठी में 100 ग्राम आती है, 3 उंगलियों में 10 ग्राम आती है, 2 उंगलियों में 5 ग्राम आती है और इस उंगली पर रखेंगे तो 1 ग्राम आता है. इसका मिक्सचर बना के अगर हम कंसोर्शियम बना रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग ऑल MNC लेबोरेटरी टू अवर ऑन अवर फार्म, तो लोकलाइज सोल्यूशन इससे क्या हो सकता है.
और हिमालय के लिए आवश्यकता है। 70% के रेट से हिमालय की डिग्रेडेशन सॉइल एरोजन हो रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारा 3-fold यील्ड बढ़ाई, परंतु 3 गुना इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई, 2 गुना मशीनरी बढ़ाई, 4 गुना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन बढ़ाई, 6 गुना फास्फोरस एंड 5 गुना पोटाश, एंड दिस ऑल कंटेम्प्रेरी एग्रीकल्चर सिस्टम इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड। उसको संभालने में तो पैसा चाहिए। ₹70,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक ने एक बार एस्टिमेट किया था कि भारतवर्ष की इरिगेशन फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और अवेलेबिलिटी कितनी थी 10%, और 10% में भी आया कि उसका भी कम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसके 3 साल बाद उसकी मेंटेनेंस दोबारा होगी। प्राकृतिक खेती में ना कोई मेंटेनेंस है ना कोई खर्चा है। फार्मर की 100% डिपेंडेंस को बाहर से खत्म करना है। जैविक खेती में 30 गाय 1 एकड़ के लिए गोबर मिलेगा तो 1 एकड़ होगा। प्राकृतिक खेती में 1 गाय होगी तो 30 एकड़ भूमि होगी। भूमि के कंसोर्शियम बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम देते हैं। पहाड़ का किल्टे थक थक के हमारी महिलाएं थक जाती हैं, इसमें कंसोर्शियम देगा, थोड़ा थोड़ा एज ए कल्चर अप्लाई होता है। एंड डेटा हैज एस्टेब्लिश्ड दैट फार्मर आर गेटिंग बेटर यील्ड, बेटर प्रोडक्टिविटी, लेस नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स, मोर पॉलिनेटर्स। और अभी भी लोगों को एक पहाड़ों का एक अभी भी एक फेथ है कि जो पहाड़ से आया वो अच्छा है, ऐसा विश्वास है ना। पहाड़ की मिट्टी, पहाड़ का कुछ भी आएगा फेथ है। हिमाचल जैसे प्रांत से अगर 3.5% सैंपल में पेस्टिसाइड रेजिड्यू आ रहा है तो हिमालय के लिए थ्रेट है, खाने वाले के लिए नहीं है। हमारा विश्वास पे अटैक हो रहा है, हमारा विश्वास हम खो रहे हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती हिमालयन सस्टेनेबिलिटी के लिए, हिमालयन कम्युनिटी के लिए एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। दिस टॉक्स अबाउट द सॉयल, दिस टॉक्स अबाउट द वाटर सेविंग, दिस टॉक्स अबाउट द बायोडाइवर्सिटी बिलो द ग्राउंड एंड अबव द ग्राउंड, दिस टॉक्स अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ द ह्यूमन बींग, दिस टॉक्स अबाउट द एनिमल इंडिजिनस एनिमल पॉपुलेशन कैटल्स। और कुल मिला के पूरे देश भर की अगर हेल्थ को देखना है तो एक प्राकृतिक खेती है। सिर्फ ये किसान तक नहीं है, ये खाने वाले के लिए भी है। से मैं एक निवेदन के साथ कि फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर का आने वाला समय है, और प्राकृतिक खेती को एक बार आप समझने का प्रयास करें। और प्राकृतिक खेती सबसे ज़्यादा जो समझी जाएगी वो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान के पास आकर उससे चर्चा से समझी जाएगी तो हमें लगेगा कि यस लोकल सॉल्यूशन है और इसकी सस्टेनेबिलिटी है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस सेशन में बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।